नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग फिर से एक बार मजबूत पक्ष में यहां पर नजर आ रही है। एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, माननीय श्रीमती सांसद हेमा मालिनी जी ने वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ के कमिश्नर के साथ एक बैठक यहाँ पर की है। इस बैठक में माननीय वित्त सचिव भारत सरकार व माननीय सेंट्रल प्रोवाइडेंट फंड कमिश्नर यहां पर जो है शामिल हुए थे और माननीय कमांडर अशोक रावत व प्रतिनिधि मंडल की ईपीएफ पेंशन वृद्धि पर त्रिपक्षीय विशेष मीटिंग यहां पर दिनांक 8/2/2022 को यहां पर संपन्न हुई है। बैठक के बाद एनएससी ने जल्द ही ठोस निर्णय आने की उम्मीद भी जताई है। आपको बता दें कि सांसद हेमा मालिनी जी की अगुवाई में यहां पर यह बैठक हुई। सांसद हेमा मालिनी जी ने इससे पहले भी दो बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ यहां पर दो बैठकें की है। ईपीएफ पेंशन ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि के इस मुद्दे पर यह बैठक माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा की अगुवाई में वित्त मंत्रालय दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही बैठक में माननीय डॉक्टर श्री टी वी सोमनाथन जी जो कि वित्त सचिव है उनके साथ यहां पर महत्वपूर्ण अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे थे। साथ ही माननीय सुश्री नीलम समी राम सेंट्रल प्रोवाइडेड फंड कमिश्नर के साथ भी महत्वपूर्ण अधीनस्थ अधिकारी यहां पर जो है रहे थे। एनएससी चीफ कमांडर अशोक रावत के साथ श्री वीरेंद्र सिंह रजावत राष्ट्रीय महासचिव, श्री कवीश डांगे राष्ट्रीय मुख्य न्यायिक सलाहकार, श्री आसाराम शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड एनएससी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष यहां पर रख रहे थे। पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि के संबंध में माननीय कमांडर अशोक रावत ने नेतृत्व करते हुए प्रतिनिधि मंडल से पेंशनर्स का पक्ष यहां पर रखा और ईपीएफओ के उपलब्ध पेंशन फंड में जमा हो रहे अंशदान व ब्याज से ही मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए प्रदान की जा सकती है, इस बारे में यहां पर बात कही। साथ ही यहां पर कार्पस भी बढ़ता रहेगा, इस विषय पर एनएससी की ओर से तर्क, तथ्य व प्रमाण के आधार पर अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी ढंग से किया गया। जैसे कि इस बैठक की कुछ फोटोज और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सौंपे गए हैं, जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनकी कॉपी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के साथ ही इंजीनियर श्री कवीश डांगे जी की अध्यक्षता में एनएससी द्वारा गठित डांगी समिति की रिपोर्ट भी उन्हें प्रस्तुत की गई और एनएससी के प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित सभी सदस्यों ने कुशलपूर्वक ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष रखा। माननीय कमांडर अशोक रावत ने कम पेंशन राशि मिलने के कारण पेंशनर्स की मरणार्थ अवस्था, पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर, ईपीएफओ द्वारा किए जा रहे वादे, ईपीएस 95 पेंशन के प्रति सौतेले व्यवहार और संगठन द्वारा पिछले 6 वर्षों से किए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलनों आदि के बारे में संबंधित महानुभाव द्वारा दिए गए आश्वासन व पिछले 1143 दिनों से एनएससी के मुख्यालय बुल्ढाना में जारी क्रमिक अनशन आदि विभिन्न पर अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। एनएससी की मांगों के अनुसार पेंशन वृद्धि पर पेंशनर्स को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए निवेदन किया। माननीय वित्त सचिव जी और ईपीएफओ के कमिश्नर से यहां पर विनम्र निवेदन किया। श्रीमती हेमा मालिनी जी व प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त किया। इसके बाद वित्त सचिव महोदय ने एनएससी प्रतिनिधि मंडल का पक्ष सुनने के बाद कहा कि प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सभी मुद्दे प्रस्तुतिकरण बहुत ही सही ढंग से किया गया है व कुछ विशेष नए तथ्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया है जो निश्चित ही विचार करने योग्य है। यह कहते हुए उन्होंने इंजीनियर कवीश जी डांगे की प्रस्तुतिकरण की विशेष प्रशंसा की और सेंट्रल प्रोवाइडेंट फंड कमिश्नर महोदय को अपना पक्ष रखने को कहा। यहाँ पर सेंट्रल प्रोवाइडेंट फंड कमिश्नर महोदया ने एनएससी द्वारा जिन बिंदुओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया उन पर निश्चित रूप से नए सिरे से विचार करने योग्य बताया और आगे कार्यवाही का यहाँ पर आश्वासन दिया। तो इस तरह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक दिल्ली में वित्त मंत्रालय के साथ और ईपीएफओ कमिश्नर के साथ, एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई है जिसमें श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा ने भी भाग लिया है और जल्द ही इस पर कोई ठोस कार्यवाही होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ।
तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।